गाइज़ कैसे हो आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अप्लीकेशन लिखना जी हमारे दोस्त की अप्लीकेशन कैसे लिखें देखिए ये इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में चार मार्क जी हमारे दोस्त क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में ये फोर मार्क चार मार्क का पूछता है क्लास ट्वेल्थ का भी एग्जाम में पूछता है लेकिन मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि कितने नंबर का क्लास ट्वेल्थ में पूछता है तो उसको आप देख लीजिएगा मैं अगर बात करूँ यू बोर्ड क्लास टेंथ में तो ये आपका जो न्यू सिलेबस है ठीक है न्यू पेपर पैटर्न है 2022-23 का उसके अनुसार चार मार्क का आप लोग का अपलीकेशन पूछेगा यहाँ मैं दिखा देता हूँ और देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022-23 का यानी जो 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का एकदम लेटेस्ट सिलेबस पे देख लीजिए ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस पे है आ, इसको मैंने मतलब इसका पूरा का पूरा, पूरा आपका इसका मॉडल पेपर का बता दिया है कि कैसे आप लोग का पूरा का पूरा पेपर आएगा दो का तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं आप देखना चाहते क्या जरूर देखिएगा उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद तो देखिए आपका ना जो चौथा चौथा नहीं तीसरा प्रश्न होगा सेक्शन बी में राइटिंग वाला उसमें आपको यहां पे बोलेगा कि कि तो आप तो अप्लीकेशन लिखिए यहाँ और का ऑप्शन रहेगा और देखिए यहाँ पे चार मार्क का आपका ये प्रश्न रहेगा तो इस प्रकार इस चलिए इसमें हम अप्लीकेशन लिखना सीखते हैं कि कैसे हम अप्लीकेशन लिखेंगे देखिए यहाँ ये जो मॉडल पेपर है इसमें तो क्या दिया गया है कि राइट एन अप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन दी कॉलेज ठीक है ये तो ये एक अलग टॉपिक है लेकिन इस वीडियो में मैं जो मतलब लिया हूँ जो अप्लीकेशन वो मैं लिया हूँ मतलब अप्लीकेशन फॉर सिक लीव मतलब मान लीजिए बीमार होने के लिए प्रार्थना पत्र जो अभी तक आप लिखते आ रहे हो उसी पे इससे मैं शुरुआत करता हूँ उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब आपके अप्लीकेशन होंगे सब मैं लिखवा दूँगा तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या लिखते हैं कि अपने स्कूल प्रिंसिपल को बुखार होने के लिए ठीक है अगर आप बुखार हो तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र यानी अप्लीकेशन कैसे लिखोगे ठीक है तो देखिए इसके लिए कैसे लिखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ यहाँ लिखना होगा सबसे ऊपर की टू और यहाँ इसको थोड़ा छोड़ कर यहाँ से देखिए मैं कहाँ से लिख रहा हूँ इसके यहाँ से नहीं लिखना है टू के थोड़ा इधर से और एक लाइन छोड़कर कर टू दी यहाँ पे लिखोगे टू दी प्रिंसिपल पी आर आई एन सी आई पी एल देखिए यहाँ पे काफ़ी लड़के पी एल ई स्पेलिंग लिख देते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है पी आर आई एन सी आई पी ए एल ठीक है आप काफ़ी सारे लड़के यहाँ पी एल ई कर देते हैं तो वो प्रिंसिपल वो हो जाता है उसका मतलब सिद्धांत तो वो अलग आ, मतलब गलत हो जाएगा आप ये स्पेलिंग इसको ध्यान दीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा टू द प्रिंसिपल अब देखिए यहाँ अपने स्कूल का नाम दे, दे, जैसे मैं मान लीजिए लिख देता हूँ या एम बी वाई डी और आगे पूरे एड्रेस सहित ठीक है पूरा मतलब आपका स्कूल का नाम जैसे लिया जाता है वैसे यहाँ पे एड्रेस सहित लिख दीजिएगा तो यहाँ उसको लिखने के बाद ठीक है एक लाइन छोड़कर यहाँ पर अब आप आ जाइएगा और फिर लिखिएगा कि सर और यहाँ पे स्लैश स्लैश मीन्स या होता है मैडम एम ए डी एम ठीक है सर या मैडम लिखकर आप यहाँ से लिखना आप अब स्टार्ट कीजिएगा अब यहाँ से आपको कैसे लिखना है लेकिन इससे पहले सर या मैडम से पहले यहाँ पे थोड़ा आप कट कर दीजिए इसको मैं काटता हूँ ठीक है यहाँ पे आप मतलब इसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ सब्जेक्ट लिख लीजिएगा एक मिनट मैं काट देता हूँ मान लीजिए इसी लाइन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है एस यू बी जे ई सी टी सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ के लिए छुट्टी तो अप्लीकेशन ए डॉल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन अप्लीकेशन फॉर सिक लिव एस आई सी के ठीक है एल ई -e ए भी ई -e, लिव ठीक है यानी बीमार के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है अब यहाँ से अब आप स्टार्ट करोगे एक लाइन छोड़कर क्या कि सर स्लैस मैडम एम ए डी ए एम ठीक है और यहाँ से फिर यहाँ से देखो सर या मैडम आप लोगों ने लिख दिया तो उस लाइन को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करोगे ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ से इसके थोड़ा यहाँ नीचे से क्या लिखोगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली एम ओ एस टी मोस्ट रिस्पेक्ट आर ई एस पी ई सी टी एफ यू डबल एल वाई मोस्ट रिस्पेक्टफुली ठीक है और यहाँ आप लोग कामा दे दोगे आई बेग ठीक है टू से डैट और देखो यहाँ नहीं आ जाओगे इसी के सिदाई में लिखोगे इसके इधर मत लिखना टू से डैट एक मिनट पेन आ, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा आ, ये चल नहीं रही है टू से डैट ठीक है आगे क्या लिखोगे आई हैव बिन आई हैव यार ये जो भी पेन ले रहा हूँ ये दिक्कत कर रही है चलिए ये रेड ही ले, ले लेता हूँ आई हैव बिन सफरिंग एस यू डबल एफ ई आर आई एन जी सफरिंग फ्रॉम फेवर या सफरिंग हाँ ऐसे ही लिखो कि सफरिंग फ्रॉम फेवर एफ ई ठीक है वी ई आर फेवर मतलब वही बुखार ठीक है सिंस लास्ट नाइट क्या लिखोगे एस आई एन सी ई सिंस लास्ट नाइट ऐसे लिखकर यहां फुल स्टॉप आप लोग दे दोगे उसके बाद क्या लिखोगे शो यहीं से स्टार्ट कीजिए यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो तो शो कामा आई एम अनेबल आई एम अनेबल यू एन ए बी एल ई अनेबल टू कम टू स्कूल टू कम सॉरी टू कम टू स्कूल एस सी एच डबल ओ एल यहां पे लिख दीजिएगा या यहां पे आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास मतलब मैं मतलब क्लास को अटेंड करने में असमर्थ हूं ठीक है काइंडली उसके बाद लिखोगे यहाँ पे कि काइंडली के आई एन डी एल काइंडली ग्रांट मी लीव जी आर ए एन टी ग्रांट मी लीव एल ई ए वी लीव लीव मतलब वही छुट्टी फार फार अब फार के बाद क्या अब देखिए आपके मतलब एग्जाम में आएगा तो लिखा रहेगा कि दो दिनों के लिए तीन दिनों के लिए तो मान लीजिए दो दिनों के लिए तो फार टू डेज डी ए वाई एस डेज बस हो गया आपका ये अप्लीकेशन इतना ही आपको केवल लिखना होता है कैसे एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ और नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें भी लिखनी होती है लेकिन पहले एक बार मैं दोहरा देता हूँ शुरू से देखिए सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है टू और यहाँ थोड़ा देखिए साइड में छोड़कर कर यहाँ से लिखना है ऐसा नहीं कि टू आपने लिखा और द यहाँ पे लिखे नहीं यहाँ से दी प्रिंसिपल अब यहाँ पूरे अपने स्कूल का नाम आपने मतलब फुल डिटेल सहित लिख दीजिएगा उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप सब्जेक्ट दागिएगा यहाँ गलत हो गया इसलिए मैं यहाँ सब्जेक्ट दाग दिया तो सब्जेक्ट आपको मतलब आ, हेडिंग दागना है एक तरह से बोल सकते हैं और ऐसे एक लाइन खींच आपको लिख लिख देना है कि अप्लीकेशन फॉर ऑफ सिक लीव मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए मतलब अप्लीकेशन हो तो यहाँ सब्जेक्ट उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा तो ये सिक से है बीमार से रिलेटेड तो यहाँ वही पर लिखा गया कि सब्जेक्ट में अप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव ठीक है और उसके बाद एक लाइन छोड़कर सर या मैडम यहाँ पे आप मतलब हेडिंग एक तरह से हेडिंग तो इसको नहीं बोलेंगे मतलब ऐसे आप इसको लिख दीजिएगा सर या मैडम और उसके बाद यहाँ से यहाँ यहाँ आप छोटा सा कामा भी दे सकते हैं और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ऐसा नहीं कि यहाँ से तो यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा और लिखेगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट नाइट सो आई अनएबल टू कम टू स्कूल या आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास काइंडली ग्रांट मिली फॉर टू डेज ठीक है ये अप्लीकेशन हो गया और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि योर ओबेडियंट ओ बी ठीक है योर ओबेडियंट ओ बी ई डी आई ई एन टी या ओबेडियंटली भी लिख सकते योर ओबेडियंटली और इधर मतलब ऐसे कर कर एक्स वाई जेड मतलब देखिए आपका अप्लीकेशन में नाम लिखना नहीं होता है मतलब वो बोल देगा आपको मतलब पेपर में ही कि कै नॉट यूज़ योर नेम तो यहाँ नेम के जगह एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप डेट डाक दीजिएगा डेट जिस डेट को आप लोग लिख रहे हो तो इस तरह से आप अप्लीकेशन लिखोगे किस चीज़ के लिए मतलब आपको आ जाए अप्लीकेशन फॉर सिक लीव तो ठीक है और इसी तरह आपको सारे के सारे जितने भी ना मतलब अप्लीकेशन है सारे के सारे इसी तरह लिखने होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका ये मतलब ये जो यहाँ पे जो ये मैटर लिखा है भाई अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीका होगा जैसे यहाँ पे अभी हमने ये देखा कि राइट एन अप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन कॉलेज तो अब यहाँ का इसका तो यहाँ पर मैटर कोई दूसरा होगा ना तो वही बस यहाँ मैटर बदल जाएगा नहीं तो ये जो सारा लिखने का तरीका रहेगा यही रहेगा यहाँ पे तो आपका मैटर बदल जाएगा जैसे टू अब यहाँ यहाँ दी प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे अब यहाँ गेम टीचर को लिखना है तो टू द गेम टीचर ठीक है और किस स्कूल का गेम टीचर तो यहाँ आप लिख दोगे तो हर चीज़ का लिखने का थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका रहेगा लेकिन जो मतलब ये जो लिखने का मैंने तरीका बताया कि टू के बाद यहाँ से आपको चीज़ें स्टार्ट करें नौ कि यहाँ से तो ये हर चीज़ में ये चीज़ें फॉलो होंगी ठीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है नहीं तो फिर आप अप्लीकेशन लिखोगे मान लीजिए चार मार्क का है तो उसमें हो सकता है आप सही सही लिखा है लेकिन आपको दो ही मार्क मिले अगर ये आप मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ठीक है तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आ, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना